Welcome in my class. What we have discussed in our last class, properties of addition. And today we are going to start our topic adding 10, 100 and 1000. अपन 10, 100 and 1000 जो है किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं तो किस तरीके से अपन ऐड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए कुछ एग्जांपल हैं जो देखिए 235 को 10 से ऐड करना है. क्या करना है? 235 को 10 से ऐड करना है. कैसे करेंगे? 5 + 0 = 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास? 5 ही आएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट में अगर 0 ऐड करते हैं तो वो की वो डिजिट ऐसे की ऐसे ही आ जाती है. 3 + 1 = 1, 2, 3 और प्लस 1 तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. आंसर कितने आए? 4. 2 के नीचे कोई डिजिट ऐड नहीं करनी, इसलिए 2 को ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे. तो 245 इसका लास्ट आंसर आ गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 1275 में 10 को ऐड करना है. कैसे करना है? 5 में 0 को ऐड कीजिए. मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिजिट में अगर 0 को अपन ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? वो डिजिट ऐसे की ऐसे ही आ जाती है. तो 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे. 7 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 8. आंसर क्या जाएगा? 8. 2 में कुछ ऐड नहीं करना है तो 2 को ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे. ना ही 1 में कुछ ऐड करना है तो 1 को भी ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे. नेक्स्ट देखिए 3115 में 100 ऐड करने हैं. कैसे करेंगे? 5 + 0 = 5. 1 + 0 = 1. 1 + 1 = 1 और ये 1 कितने हो गए? 1, 2. आंसर कितने आए? 2. 3 में कुछ ऐड नहीं करना, इसलिए 3 को एज इट इज जैसे कि ऐसे ही राइट कर देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. 9 + 0 = 9, क्योंकि 0 9 में ऐड होता ही नहीं है तो 9 को ऐसे कैसे ही राइट कर देंगे. 3 + 0 = 3. 5 + 0 = 5. 3 + 1 = 1, 2, 3. 3 में 1 और ऐड कर देंगे. अब देखिए 1, 2, 3, 4. फाइनली आंसर अपने पास कितने आए? 4. ठीक है, तो ये अपने पास 4539 अपने पास आंसर आ गए. नेक्स्ट देखिए 3 + 0 = 3. 3 में 73 में अपने को 10 ऐड करना है तो अपने पास आंसर क्या आएंगे? तो देखो ऐड करके देखते हैं. 73 + 10, 3 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 3. 7 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 8. ठीक है, लास्ट आंसर क्या आया? 83. अब देखिए नेक्स्ट 4 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4. 8 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8. और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4. तो 384 में जब 100 ऐड किया तो आंसर अपने पास आ गया 484. नेक्स्ट देखिए 1000 वाली डिजिट को ऐड करना है. अब तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 एंड 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4. तो अपने पास आंसर आ गया 4490. ओके, तो ये क्या थे? बुक के कुछ एग्जांपल थे. तो बताइए 73 में 10 ऐड किया तो आंसर कितने आए अपने पास? 83. फिर देखिए 384 में 100 ऐड किया तो आंसर क्या आए अपने पास? क्या आए थे आंसर? 484.
फिर नेक्स्ट देखिए 3490 में 1000 ऐड किया तो आंसर क्या है 4490, जैसे अभी किया था ना अपन ने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ओके। तो देखिए 825 में अपने को 100 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 5 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएंगे अपने पास 5, एंड 2 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास 2, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 और ऐड कर देते हैं। अब टोटल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या आ गया 9। अब देखिए 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 को चाहे कितनी भी 0 से ऐड कर दो आंसर अपने पास हमेशा 0 ही आएगा। 9 में 5 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में कितने ऐड करने हैं 5, सो 1 2 3 4 5। अब टोटल को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 आ गया और 1 कैरी पावर यहाँ पे अपन ने लगा दिया है। अब 1 और 1, 1 में कुछ ऐड नहीं करना है यहाँ पे, तो 1 ऐसे कैसे ही राइट कर देंगे, बट 1 के ऊपर एक कैरी पावर लगा हुआ है उसको तो अपन ऐड करेंगे ना, तो आंसर आ गया अपने पास 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 2 + 0 = 2, 3 + 2 = 1 2 3, और 1 2 कितने हो गए टोटल 5, तो यहाँ पे राइट कर देंगे अपन 5, ठीक है। तो ये अपने तीनों क्वेश्चन कर लिए 100 के, 500 के एंड 2000 के। अब देखिए 825 में अपन ने 100 ऐड किया तो आंसर कितने आए अपने पास 925, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1900 में 500 को ऐड किया तो आंसर क्या आया अपने पास 2400। फिर देखिए 3200 को 2000 से ऐड किया तो आंसर क्या आया अपने पास, देखिए 5200, क्या आया आंसर 5200, ओके। सो इट्स इनफ फॉर टुडेज, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।